खबरें न्यूज एन में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा ने करवाया फोटोशूट, मल्टी लेयर ड्रेस में दिखी बला की खूबसूरत। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने स्टाइलिश लुक्स के कारण सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक बार फिर अनुष्का शर्मा ने अभी बेहद बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उनका ये प्रिंटेड ट्राउजर और क्रॉप टॉप लुक सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दे रहा है। अनुष्का शर्मा के इस ड्रेस को फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया है। अनुष्का शर्मा की इस ड्रेस में स्टाइलिश मिरर वर्क हुआ है, इसके साथ ही जैकेट के साथ प्रिंटेड ट्राउजर भी पहना हुआ है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की इस ड्रेस में मल्टी लेयर किया हुआ दिखाई दिया है। दिया मिर्जा ने की वन इंडिया स्टोरीज की अनाउंसमेंट। एक्ट्रेस दिया मिर्जा अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में एक और अध्याय जोड़ने जा रही हैं। अर्थपूर्ण कंटेंट पर काम करने के मकसद से इस बार उन्होंने वन इंडिया स्टोरीज LLP नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया है। इस बारे में बताते हुए दिया मिर्जा ने कहा, हम अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ बेहतरीन लोगों से हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। हम खासतौर पर महिलाओं की मुख्य भूमिकाओं वाली कहानियों पर काम करेंगे। दिया कहती हैं, मैं एकता की शक्ति में यकीन रखती हूँ। हम सभी एकता और मानवता के धागे से बंधे हुए हैं और वन इंडिया स्टोरीज को इसी विचार के साथ बनाया गया है। हम ऐसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं जो हमें एक दूसरे और इस ग्रह से हमारे रिश्तों को याद दिलाएगी और हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के करोड़ों चार्ज करती हैं प्रियंका चोपड़ा। ग्लोबल आइकन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के 40 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए लगभग 1,87,00,000 रुपए चार्ज करती हैं। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से एक्टिव हो रही एक्ट्रेस आलिया भट्ट इंस्टाग्राम के प्रति पोस्ट के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया से दूर ही नजर आ रहे हैं। शाहरुख अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद कपूर अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 20 से 30 लाख रुपए लेते हैं। भले ही नेहा धूपिया ने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन लोगों के बीच आज भी उनका चार्म बरकरार है। वो एक पोस्ट के लिए 1,05,000 रुपए चार्ज करती हैं। श्यामक डावर के डांस शो में पहुंची शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में श्यामक डावर के डांस शो विंटर फंक में भाग लिया, जिसे श्यामक डावर एकेडमी ने होस्ट किया था। समकालीन नृत्य शैली में बच्चों ने परफॉर्म किया। शिल्पा के बेटे व्यान ने भी इस डांस शो में परफॉर्म किया। अपने बेटे के डांस को देखकर शिल्पा ने कहा, कोरियोग्राफर्स में कल्पना करने और चीजों को अमल में लाने की क्षमता होती है, लेकिन श्यामक कलाकारों का निर्माण करते हैं। मैं देखकर चकित हूं कि वो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद क्या कर पा रहा है। 26 वर्षों में इसे करने में सक्षम है। इंडियन आइडल 11 के सेट पर पहुंचे धर्मेंद्र और आशा पारेख। इंडियन आइडल सीजन 11 जो पहले ही बेहद प्रतिभाशाली प्रतियोगियों की वजह से सभी का पसंदीदा बन गया है, जो लगातार अपनी गायकी से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। इस सप्ताह के अंत में शो के सेट पर धर्मेंद्र पाजी और दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचेंगे, जो अपने सुनहरे युग की ढेर सारी कहानियों के साथ मंच की शोभा बढ़ाएंगे और इंडियन आइडल के टॉप 9 प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करेंगे। इंडियन आइडल प्रत्येक शनिवार और रविवार को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देख सकते हैं। दबंग 2 की एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लगाया ब्लैक ड्रेस में हॉटनेस का टरका। बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर अक्सर अपने डांस और बोल्ड तस्वीरों के कारण चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस में फोटो शूट कराते हुए काफी स्टाइलिश अंदाज में तस्वीरें शेयर की हैं। ब्लैक कलर के आउटफिट में स्टाइलिश और गॉर्जियस अंदाज में फोटो शूट कराते हुए संदीपा धर काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। संदीपा ने सफेद रंग की ड्रेस में कहर ढाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। संदीपा का इंस्टाग्राम उनकी बोल्ड और हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है और फैंस भी उन्हें खूब पसंद करते हैं। बॉलीवुड में संदीपा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आई फिल्म इसी लाइफ से की थी। इसके बाद संदीपा साल 2012 में सलमान खान की फिल्म दबंग 2 में दिखाई दी। संदीपा टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का हिस्सा भी रह चुकी हैं। फिल्म गुड न्यूज का गाना माना दिल हुआ रिलीज। अक्षय कुमार और करीना कपूर खान जल्दी अपनी नई फिल्म गुड न्यूज़ के जरिए सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं। इन दिनों दोनों ही इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला है और मेकर्स ने इस फिल्म के नए गाने माना दिल को भी रिलीज कर दिया है। इस इमोशनल गाने को बी प्राक ने अपनी आवाज से सजाया है। धर्मा प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कपिल शर्मा शो में आने वाले हैं वो मेहमान जिसके दीवाने हैं कॉमेडी किंग।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस हफ्ते द कपिल शर्मा शो के सेट पर अपनी फिल्म छपाक का प्रमोशन करती नजर आएंगी। कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री सेट पर कमाल की होती है। इससे पहले दीपिका जब भी कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची हैं तो दोनों कमाल का समा बांधते नजर आए हैं। तस्वीरों में कपिल शर्मा उनके साथ जीन्स टी शर्ट और जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही छपाक में दीपिका पादुकोण एक एसिड सर्वाइवर की भूमिका निभा रही हैं। कपिल शर्मा शो के सेट पर दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार भी पहुंचेंगी। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें दीपिका के साथ विक्रांत मैसी भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी कपिल शर्मा शो पर काफी कंफर्टेबल और खुश नजर आई। मालूम हो कि कपिल दीपिका को सेट पर दीपू कहकर पुकारते हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।